मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनिए। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो यीशु ने कहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख, यह किस व्यक्ति के विषय में कहा और किसे कहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना तब की है जब यीशु अपने चेलों के संग नगर नगर में, गांव में जाया करता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़ों को चलने की शक्ति देता था, बहिरों को सुनने की शक्ति देता था, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु इसी प्रकार से एक झील के किनारे मौजूद था और तब एक बड़ी भीड़ उसके निकट आ गई, उसके पास खड़ी थी, और इतने में ही ये जो आराधनालय का सरदार, इस व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, ये आराधनालय का सरदार यीशु के पास आता है और यीशु के पास दंडवत करके, गिर करके कहता है कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर के उसके ऊपर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी और जीवित रहेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसके तत्पश्चात कुछ समय के बाद कुछ लोग आते हैं आराधनालय के सरदार के घर से और वे यीशु से कहते हैं कि अब प्रभु को दुख न दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर गई है, अब प्रभु को दुख क्यों देता है। इतने पे तुरंत यीशु उनकी बातें अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहता है, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के इस बात के ऊपर, इस वाक्य के ऊपर आराधनालय के सरदार ने, अर्थात याइर ने, उस यीशु के ऊपर विश्वास रखा और यीशु को अपने घर ले गया जहां उसकी बेटी मरी पड़ी थी। और जब यीशु उसके घर पहुंचा, घर जाने के बाद उसने देखा कि बहुत से लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उसकी बेटी मर चुकी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन लोगों को देखते हुए यीशु ने उनसे कहा कि तुम क्यों रोते हो, क्यों चिल्लाते हो, बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। ये बात सुन करके वे लोग यीशु के ऊपर हंसने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन लोगों को ये लगने लगा कि ये जो बेटी है हमारे आंखों के सामने मरी पड़ी हुई है, इस बेटी को हम देख रहे हैं और ये यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है कि ये बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। उन लोगों ने यीशु का मजाक उड़ाया और उसके मजाक से ही वे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने उन सारे लोगों को बाहर किया और अपने साथ अपने 3 चेलों को लिया और मरी हुई बेटी के जो माता पिता थे उनके साथ वे बेटी के नज़दीक गया और बेटी को जाकर उसने कहा, तलिता कुमी, अर्थात हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। जैसे ही यीशु ने कहा तलिता कुमी, ये सुन करके जो बेटी मरी हुई थी वो उठ करके चलने फिरने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो इतना बड़ा चमत्कार हो गया, ये चमत्कार कैसे संभव हो गया? क्योंकि आराधनालय का जो सरदार था, उस सरदार की बेटी मर चुकी है, ये जब बात बताने के लिए उसके घर के लोग आए और उससे कहने लगे कि अब प्रभु को दुख क्यों देता है, तेरी बेटी तो मर चुकी है।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु ने उस सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास रख, इस वाक्य के ऊपर उस सरदार ने विश्वास रखा और इसी विश्वास के साथ वो यीशु को अपने संग अपने घर ले गया। उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि तेरी बेटी तो मर गई है, क्या मरी हुई बेटी को भी प्रभु यीशु मसीह जीवित कर सकता है? ये जो मेरी बेटी मर गई है ऐसे मेरे घर के लोग कह रहे हैं, क्या उसे जीवित रखने का सामर्थ्य भी यीशु रखता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति ने प्रभु के वाक्य के ऊपर, प्रभु के इन वचनों के ऊपर विश्वास रखा और विश्वास के साथ प्रभु को अपने घर ले गया। जब उसने अपने घर का माहौल देखा तब भी उसके मन में एक बार तो भी ऐसी शंका आनी चाहिए थी ना, जब उसके घर के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, ये देखते हुए भी जब प्रभु उसके संग था तब उसने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखा और प्रभु आगे ये इतना बड़ा चमत्कार कर पाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी भी चमत्कार को पूरा होते हुए जब हम देखते हैं तब इसके पीछे व्यक्ति का विश्वास महत्वपूर्ण रखता है। वो व्यक्ति कितना प्रभु के ऊपर विश्वास रखता है और किस प्रकार से प्रभु को प्रतिसाद देता है ये महत्वपूर्ण रखता है। कई लोगों के जीवन में जब दुख, संकट, बीमारियां आती है तब वे अपने जीवन में उन दुखों को देखकर, उन बीमारियों को देखकर इतने डर जाते हैं मानो उन्हें ये दुख, ये समस्याएं पहाड़ जैसा महसूस होता है। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु हम सब से भी यही कहता है, मत डर केवल विश्वास रख, मत डर केवल विश्वास रख। जब हम प्रभु के कहे हुए इन वचनों के ऊपर विश्वास रखते हैं बिना डरे, उसके ऊपर अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को, सारी बीमारियों को, सारी परिस्थितियों को उसके ऊपर सौंप देते हैं और उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तब प्रभु काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ। ये गवाही इस प्रकार से है कि कुछ सालों पहले एक पति पत्नी जिनकी शादी को 5 साल बीत चुके थे, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत सी दवाइयाँ ली, बहुत से उपचार किए, परंतु उन सब से उन्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ। और आखिर में उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें प्रार्थना के बारे में बताया और उस समय पर प्रार्थना केंद्र का कार्यक्रम टीवी चैनल्स पर आ रहा था और तब उस भाई ने अपनी पत्नी को उत्तर प्रदेश से अपने घर बुलवा लिया, मुंबई में बुलवा लिया, और ये दोनों पति पत्नी प्रभु के ऊपर विश्वास रखने लगे। उनकी पत्नी कभी प्रार्थना में नहीं आई थी, केवल उसे प्रभु का नाम पता था और वो घर पर ही टीवी के ऊपर प्रभु का कार्यक्रम देखती थी, प्रवचन सुनती थी, प्रार्थना में भाग लेती थी। उस बहन ने ऐसा बताया कि 2015 की बात है, हमारी शादी को 5 साल बीत चुके थे, हमें कोई बच्चे नहीं थे और जनवरी के महीने में मैं गांव से अपने घर मुंबई में आई हुई थी और उस समय पर जब मैं कार्यक्रम देख रही थी तब मैं बड़े विश्वास से प्रार्थना में भाग लेती रही। प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह हम पर हो गया और उसके दूसरे ही महीने में मैं गर्भवती हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसका समय पूरा होने आया तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हारी पत्नी के शरीर में खून की बहुत कमी है, केवल 6 पॉइंट खून उसके शरीर में है। उनकी डिलीवरी हो गई और तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपकी बेटी के शरीर में श्वास एकदम थोड़ा थोड़ा चल रहा है, थोड़े ही घंटे में आपकी बेटी मर जाएगी, क्योंकि आपकी बेटी ने जब जन्म लिया तब जैसे साधारण बच्चे जन्म लेते हैं रोते हुए, आपकी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो रोई नहीं, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, केवल मामूली सा श्वास उसके शरीर में शुरू है, थोड़े ही समय में ये मर जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इस बहन की हालत ऐसी थी कि उसके शरीर में खून की कमी होने की वजह से वो ICU में चली गई थी। इस भाई ने क्या किया, इस भाई ने कहा कि जिस प्रभु ने मुझे इतने सालों के बाद ये संतान दी है,
वो प्रभु मुझे मरा हुआ बच्चा कैसे दे सकता है? वो प्रभु मुझे मरी हुई बेटी कैसे दे सकता है? यदि मेरी बेटी मर भी गई हो तो भी प्रभु यीशु मसीह उसे जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। मेरी बेटी जिंदी हो जाएगी। और इस विश्वास के साथ उस भाई ने हॉस्पिटल में ही घुटने टेके, वे घुटने के बल आकर के रो करके प्रभु के पास प्रार्थना करने लगे। वहाँ पे हॉस्पिटल में जो कुछ मौजूद नर्स थे वे इसे देख करके बहुत ही अचंभा करने लगे कि आखिर ये व्यक्ति है कैसा, कहाँ से आया है, कौन सा इसका भगवान है कि ये इस प्रकार से रो करके घुटना टेक करके पागलों के समान प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। ये सब कुछ उनके लिए बहुत ही अनोखा था, परंतु उस भाई का विश्वास बहुत बड़ा था। वो भाई डरा नहीं, बल्कि उसने पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखा। 2 बजे जब उनकी पत्नी की डिलीवरी हो गई, उसके 2 घंटे के बाद, 2 घंटे तक ये भाई प्रभु के पास रो रो कर विनती करने लगा, और शाम 4 बजे उनकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई, उसके शरीर में अच्छे से श्वास शुरू हो गया। और वही नर्स दौड़ते दौड़ते बेटी को उनके पास लेकर आए और दिखाने लगे कि ये देखो क्या चमत्कार हो गया, ये देखो क्या बात हो गई, आपकी बेटी तो मरने पर थी परंतु अब इसके शरीर में अच्छे से श्वास चल रहा है और ये अब रोने भी लगी है, ये पूरी तरह से ठीक हो गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनकी पत्नी जो आईसीयू में चली गई थी, प्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, वो पूरी तरह से ठीक हो गई और 3रे दिन वो अपने घर आ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस भाई के सामने ये कितना बड़ा दुखों का पहाड़ था। 5 साल तक उन्हें कोई बच्चे नहीं थे, और आखिर में उनकी पत्नी जब गर्भवती हो गई तब उनकी बेटी ये अधमरी अवस्था में पड़ी हुई है, जो कि मरने के कगार पर है। उन्हें कितना डर जाना चाहिए था, परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस घर की नींव पक्की होती है वो घर कभी टूटता नहीं। चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए, कितने भी लहरें उठे, परंतु जो व्यक्ति वचन में मजबूत होता है और जिस व्यक्ति का विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर होता है, वो व्यक्ति कभी भी विश्वास में निर्बल नहीं होता, बल्कि उसके विश्वास के द्वारा प्रभु उसके जीवन में काम करता है और बड़े अनोखे से अनोखे चमत्कार, चिन्ह, घटनाएँ घटती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी ये भाई, ये पति पत्नी प्रभु में जुड़े हुए हैं। उनकी बेटी अब 5 साल की पूरी हो चुकी है। उन्हें दूसरी भी एक संतान हो गई, दूसरी भी प्रभु ने उन्हें सुंदर बेटी दे करके आशीषित किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लॉकडाउन की ही बात है, ये जो 2 सालों का सफ़र बीत चुका, इनमें कई लोग विश्वास में निर्बल हो गए। कई लोगों ने इस प्रकार का सामना किया कि वे बता रहे थे कि परिस्थिति ही कुछ इस प्रकार से निर्माण हो गई कि हम उनको देख करके डर गए, उनका सामना नहीं कर पाए और हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना घट गई। परंतु ऐसे भी कुछ लोगों ने गवाहियां दी कि हम घर पर ही प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का नाम ले रहे थे, प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और मानो हमें अपने घर पे ही ऐसा महसूस हो रहा था कि ये हमारा जो घर है, यही घर आशीष प्रार्थना घर बन चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे बताते थे कि हमारे आसपास में, हमारे नगर में इस प्रकार का डर का वातावरण तैयार हो चुका था। इतनी बुरी बातें सब कुछ बीत रही थी, चल रही थी, हम अपने आँखों से देख रहे थे कि लोग इतने बीमार हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, परंतु हमने अपना पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखा। हम ये सोच करके प्रभु के ऊपर निर्भर रहे कि हमने जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा है, वो परमेश्वर जिंदा प्रभु है, वो हमें इस प्रकार से तकलीफों में गुजरने नहीं देगा।
यदि संकटें आएंगी, बीमारियां आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तो भी उन सब से बाहर निकलने के लिए हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर समर्थ है, सामर्थ्यशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इन पूरे लॉकडाउन में उन्होंने घर पर विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना करनी शुरू की। वे प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे और वचनों को अपने दिल में ग्रहण करते थे। यहाँ से जो प्रवचन वे देखते थे यूट्यूब पर, ऑनलाइन प्रवचन, वे उन प्रवचनों के द्वारा उनको एक बड़ा साहस मालूम पड़ता था, महसूस होता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वे बताते थे कि इस प्रकार का भयानक वातावरण आसपास में तैयार हो गया था कि उन्हें देख करके कोई भी भाई डर जाता, कोई भी भाई घबरा जाता। परंतु हमने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा है और हमने ये पूरा पक्का विश्वास रखा कि हमने जिंदा प्रभु को पाया है और वो प्रभु हमें इन सारी बातों से बाहर निकालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक भाई ने ऐसी गवाही दी कि लॉकडाउन के समय में वे उनको चक्कर आ गया और चक्कर आकर के वे गिर गए। घर पर उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी उनको देख करके घबरा गई और रोने लगी और ईशु ईशु इस प्रकार से वो ईशु का नाम लेकर के प्रार्थना करने लगी, ईशु के नाम को जोर जोर से पुकारने लगी। और फिर कुछ समय के बाद उस भाई को होश आ गया और होश में आने के बाद उनकी स्थिति, उनको शरीर में अच्छी मालूम नहीं पड़ रही थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और ये बहन बता रही है कि जब मेरे पति हॉस्पिटल में गए तब उनको एक बड़ी बीमारी बता दी गई और ये सुनकर के मैंने प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखा कि चाहे मेरे पति की जो भी कुछ अवस्था हो गई है, चाहे उनके साथ जो भी कुछ हो जाए, परंतु परमेश्वर हमारे संग है। वो बहन बता रही है कि जिस रात मेरे पति को अस्पताल में भर्ती किया हुआ था, उनके पास भी मुझे जाने के लिए मना किया गया था, मैं दूर ही उनके पास, उनसे दूर ही बैठी हुई थी और कई लाशें मैंने उस जगह पर देखी। इतनी एक के बाद एक लाश, एक के बाद दूसरी लाश मेरे पास से गुजर रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बता रही थी कि मैं उन लाशों को देख करके कांपने लगी और अंदर ही अंदर मैं जोर जोर से यीशु का नाम ले रही थी, यीशु के पास प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, ऐसी स्थिति मेरे पति के साथ में नहीं होनी चाहिए, मेरे पति को तू बचा, उन्हें बचा, उन्हें पूरी तरह से तू अच्छा कर, उन्हें जीवन दान दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई दिन बीतते जा रहे थे, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, समय बीतता जा रहा था, इनकी प्रार्थना और भी ज़्यादा वे दुगनी कर रहे थे और ज़्यादा वे प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे थे और पूरे विश्वास के साथ वे प्रभु में बने रहे। आखिरकार प्रभु की दया उनके ऊपर हो गई, उनके पति की हालत में सुधार होने लगा, धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधरती गई और वे पूरी तरह से अच्छे हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है ना कि जब हम बीमारियों की ओर देखते हैं, अपनी परेशानियों की ओर देखते हैं और जब हमसे शैतान बात करता है, जिस प्रकार से इस आराधनालय के सरदार के समय पर हुआ, उसके घर के लोग आकर के उससे कहते हैं कि प्रभु को अब क्यों दुख देता है, तेरी बेटी अब मर गई है। जब इस प्रकार के शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं, जब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अब कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, तब प्रभु हमसे तुरंत बातें करता है और हमें कहता है मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर हम सारी परिस्थिति सौंप देते हैं, तब सारी परिस्थिति का नियंत्रण प्रभु लेता है और वो दुख, संकट, वो पहाड़ से भरा हुआ जीवन ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। हालेलुया, 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 हालेलुया।
इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कुछ घटना चल रही होंगी, ऐसी बातें बीत रही होंगी, ऐसी कुछ समस्याएं चल रही होंगी जिन्हें देख करके आपको लगता होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब इससे बाहर नहीं आया जा सकता, अब इसका कोई इलाज नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। प्रभु आपसे कह रहा है, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। आप जिस प्रभु के पास आए हो, आपने जो प्रभु के ऊपर अपना विश्वास रखा है, वो प्रभु सच्चा प्रभु है। वो आपको ऐसे ही संकट में छोड़ नहीं देगा, वो आपको ऐसे ही बीमारी में पड़े नहीं रहने देगा, बल्कि वो आप पर प्यार करने वाला, आपको निर्माण करने वाला आपका स्वर्गीय बाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, कितने भी बड़े संकट आपके जीवन में आने दीजिए, आप उस घड़ी में पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर रखिए, पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर हो जाइए और प्रभु के कहे हुए वचन के अनुसार डरना नहीं, बल्कि अपना पूरा विश्वास उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ऊपर रखना। वही आपको हर मुसीबत से, हर संकट से, हर परेशानी से, हर बीमारी से बाहर निकालेगा और ताकि आपके द्वारा उस परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते, तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसे क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।